नमस्कार बंधुगण, आज मु आपण जॉब इनफॉरमेशन तो कहबी किंतु आपणकर मु आपण को जी रिलेटिव आपणकर कई कांटेक्ट जी अच्छा एबे तो आपण देखु आप टेन्थ एग्जाम आपणकर पहुँची आसला तो ओब्वियसली आम मैंने जाणीवा जे टेन्थ पर पाने डिसाइड कर पारती कौन करे प्लस टू करेंगे डिप्लोमा करेंगे ना आईटीआई करेंगे तो ओब्वियसली कहते भल पे कहते हाँ प्लस टू करवा कथा तापर डिप्लोमा भावती जो मैंने कर्म रखती से आईटीआई कर था कि देखु आपण मानक सियोरली कहीदे एवं आपण मैंने जदि ठीक टाइम ठीक डिसीजन ने जो टेन्थ पर आप कौन करेंगे तेल आपण मैंने फ्यूचर में पाठ सीना पढ़ीदे कि चाकरी पाइबे एत कंपिटन बढ़ीगला आपण मैंने देखुवे चाकरी इश्यू बहुत हो ओडिशा रे आपण माने देखुते ओडिशा रे आपण पाखापाखी एई वर्ष जो चेक होता आपण ओडिशा रे 6 लाख अनएम्प्लॉयमेंट रही थी जो इंडिया रे आपण नंबर वन के पोजिशन में रही था तो टेन्थ पर देखते जो पिला एमती नुहे जब भल मार्क रखुच सी खाली प्लस टू कर डिप्लोमा करनी आई टी आई करनी मुझ पर्सनाली कह मोर एक्सपीरियंस अनुसार जो पिला जदि आपण टेक्निकल फील्ड को जाऊँगी से पिला टेन्थ पर डिप्लोमा करू कारण तार डिप्लोमा पर सी बीटेक कारण तार प्लस टू एत आप इम्पोर्टेन्स अच्छी किंतु तार जो इंजीनियरिंग लाइन को जीव तेल सी बेटर डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग लाइन को आसु बीटेक को आसु तापाई बहुत फायदा हे कारण आपण मैंने डिप्लोमा आउ एबे एते स्कोप आई जाए आप डिप्लोमा बहुत स्कोप आप जो पिला डिप्लोमा कर टेक्निकल फील्ड में तार चान्स आपर बढ़ी जा सी प्लस टू कर टेन्थ पर करू कि ना बट डिप्लोमा गोटे एवं आपणकर कहकू गले टेक्निकल फील्ड में बहुत इंपोर्टेंट आपणकर कारण आपणकर ओडिशा रे देखथुए ओ ट्रिपल एससी ओ डबल एससी आपणकर ओपीएससी ओ डबल एससी देखथुए आपणकर जो जेई पोस्ट उडा बाहरु छी आपणकर डिप्लोमा मागु छी तो बीटेक पिला ने भावन छथि सने एबे हमें तो प्लस टू कर देले किंतु जेई पोस्ट पर एलिजिबल हो नै तो जे स्टेट रे सने चाकरी करबा पई चाहौ छथि तरे बेटर सने डिप्लोमा करकी बीटेक करंतु कारण आपणकर दुटा ऑप्शन आसी दिबो आपणको फायदा मध्ये अछि सेठी आप प्लस टू कले आपको किसी फायदा हेनी तो बेटर जो मैंने आपको टेक्निकल फील्ड जाए चाहते सर मुझे आशा कर टेन्थ पर डिप्लोमा एग्जाम दिंतु डिप्लोमा एग्जाम क्वालिफाई करेंगे डिप्लोमा करूँ तपर आपने बीटेक करूँ कारण आपर से तीन वर्ष करेंगे बीटेक डिप्लोमा तपर आपर बीटेक करेंगे तीन वर्ष तो आपर चान्स दुटा अप्सन आज आपको डिप्लोमा डिग्री भी रोक बीटेक डिग्री भी रोक तो आप जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ीज आ जो मैंने प्लान चाहते कि सर इंजीनियरिंग फील्ड को जीवन मेडिकल को जीवे तो प्लस टू आवश्यक हो जाए तो से पाने प्लस टू करूँ बट जो पिला चाहते टेक्निकल फील्ड को जीव बेटर सैन डिप्लोमा को चॉइस करूँ से आप रही आर्ट आउ कमर्स पिला देखूँ टेन्थ में भल मार्क न रखिले आर्ट्स पढ़ ना कमर्स पढ़ कहती कितु आपड़ी जो भल लगुच देखो आप कम मार्क रही कौ को भल कलेज कलेज एडमिशन पाए प्लस टू तो से आपको प्राइवेट कलेज रही है जब आपने चाहते साइंस पढ़ाई तो सेमती किसी इश्यू नहीं आप प्राइवेट में साइंस पढ़ी पारे बाकी आपण जब साइंस पढ़े तेल आपको से अनुसार परिश्रम करके पड़े जब आप कम मार्क अच्छी टेन्थ में कारण आपर ट्वेल्थ में पढ़े मैंने आपर दु वर्ष बहुत फास्ट सिलेबस रोचे आप कंपिटन बहुत बेसी जदि आपने चाहते कि से ही रेंज में पहुंची पारे देन साइंस पढ़ु ना जब आप कंपिटन करें बेटर आपर्ट्स ना कमर्स देखते कमर्स देखते कमर्स फिर आप कमर्स जब आप पढ़े मैंने आपर मैथ उपर भल टच थी कथा बहुत जल्दी कैप्चर कर पारे से भाया रहा कथा कारण कमर्स पे देखु आप मैथ भल बहुत भल होता है आप तो पढ़ीदे कि फ्यूचर जो आप बैंकिंग विश्वविद्यालय बाहर से कंपिटन एत बेस कंपिटन करें तो जो पे कमर्स पढ़ुंत सी ओब्वियसली सीएफए होगा चान्स कर बैंक पीओ फीओ ये सब प्लान अच्छी तो से बेटर कि जो पिला भी यदि चाहूँ बैंक पीओ फीओ होगा चाहूँ तो बेटर कि सी टेन्थ पर कमर्स नरू कमर्स पर ग्रेजुएसन कला बैंक सब जॉब अप्लाई कर पार एवं जो बाकी रही आपंकर आई टी आई पिला देखो आई टी आई आप टेन्थ पर जो पिला हाँ जो फाइनेंशियल अच्छी इश्यू इश्यू मैंने कर पारूनी तो बेटर सैन आई टी आई करूँ कारण आई टी आर भी आपर पी एस यू और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर आपर बहुत जॉब बाहर तो आई टी आई पिला चाकरी बहुत बेसी आसूसी आपर टेक्निकल फील्ड में आपको कह गए समस्त को एक्चुअली किसी नलेज होता कथ प्राक्टिकाल नलेज समस्त को प्राक्टिकाल नलेज दरकार एक्सपीरियंस दरकार है तो आपर देखुए आप आई टी आई मानक बहुत वैकेंसी बाहर तो देखो यहाँ आपंपाई मुझ
ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଗୁଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି କି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବେ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଏବେ ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଜବ୍ର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ କମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ହଉ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ହଉ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ବହୁତ କମ୍ ବାହାରୁଛି। ତ ପିଲା ସେହି ଠିକ୍ ଡିସିଜନ୍ରେ ଠିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଠିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯାଇକରି ତାକୁ ଚାକିରି ମିଳିବ, ନହେଲେ ଚାକିରି ତାକୁ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ହେବ। କାରଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ କାହାକୁ ଏମିତି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସବୁ ଫେସିଲିଟି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅପିଏସ୍ସିରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିସରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ତ ବେଟର୍ କି ସେମାନେ ଟେନ୍ଥ ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଓୟୁଟି ଫୋୟୁଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛି, ଫିସରି ଫିସରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ସବୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ବେଟାକୁ କେହି କହୁନଥିଲେ ଆମକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେତେ ଜାଣିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଟିକେ ରହିପାରିବ, ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିସରି ଏଗ୍ରିକଲଚର ହର୍ଟିକଲଚର ଏଇଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ବହୁତ ବେଶୀ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ବାହାର କରିବ ହିଁ କରିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ କମ୍, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଆମ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 2014 ପାଖାପାଖି ଆମେ ସେଠାରେ ପାସ୍ ଆଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଭଳିଆ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ରହିବ, ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଲାଗିପାରିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଡେଲି ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ କାରଣ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେତେ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମିଳିପାରିବ। ତ ସବୁମାନେ ଠିକ୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।